बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट एग्जांपल। हमारी जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है फंक्शन ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स के इक्वल है। अब हमने इस पे अपने ऊपर वाले थ्योरम को यूज़ करते हुए हमने इस एग्जांपल को सॉल्व करना है। तो हमारा ऊपर वाला थ्योरम क्या था कि हम फंक्शन को इनफाइनाइटली आप सपोज करते थे कि आपका फंक्शन इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल है, तो लिमिट आर की पावर में एनवर एंड फैक्टोरियल जीरो वैल्यू देता था किसी डोमेन आई पे, ठीक है, इंटरवल आई पे। फिर हमने इसको प्रूव भी किया तो हमारे पास उसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू दिस फॉर्म आई थी, तो हमने उसको चेक कर लिया। अब मैंने उसमें ये तो बता दिया था कि वो फंक्शन आपका फंक्शन जो है वो लेस देन वैल्यू देता है आर की पावर। इस फंक्शन से लेस देन फंक्शन को चेक किया तो ये फंक्शन इस फंक्शन से छोटा है और आई आर इंटरवल में था। तो हमने कहा कि अगर जब वो सब इंटरवल आई आर, क्योंकि आई का सबसेट था तो वो उसमें गया, तो वो उससे भी छोटी वैल्यू देगा, ठीक है। ये सिंपल उसने आई आर को आई आई से रिप्लेस किया था यहाँ पे। अब देखिए वो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि हमारे पास फंक्शन है, हमने उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली है, ओपन इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। आपने उसको सॉल्व किया तो आपके पास उसका आंसर 1 आएगा, ठीक है। अब वो कहता है अब आर की पावर में एन लिमिट पुट करने से आपके पास जो आंसर है वो होल्ड कर, आपके पास जो इंटरवल है आर का जीरो टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, वो आर की तमाम वैल्यू के लिए होल्ड करता है। अब हमने इस फंक्शन को चेक करना है टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन से कि हमारा फंक्शन किस तरह से प्रूफ होगा। आपको थ्योरम की इतनी अच्छी समझ नहीं आई होगी, हम एग्जाम्पल से इसके प्रूफ को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं जी। देखें, हमने साइन की एक्सपेंशन पहले पढ़ी थी जिसमें हमने साइन का डेरिवेटिव एक्सपेंशन का डेरिवेटिव लिया था तो हमारे पास कॉस आया था, और कॉस की एक्सपेंशन का डेरिवेटिव लिया था तो माइनस साइन हम लेकर आए थे, ठीक है। इसी तरह से अब हमने इसको चेक करना है, हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स है साइन ऑफ एक्स, तो अब हमने इसका फंक्शन ऑफ एक्स को साइन ऑफ एक्स है इसका टर्म बाय टर्म डिफ्रेंशिएशन लेनी है, तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो मेरे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कॉस आएगा, सेकेंड डेरिवेटिव माइनस साइन आएगा, थर्ड डेरिवेटिव अगेन माइनस कॉस ऑफ एक्स, फोर्थ डेरिवेटिव अप टू सो ऑन मेरे पास साइन आएगा, फिर साइन का डेरिवेटिव कॉस अप टू सो ऑन। ये सीरीज इसी तरह से चलती जाएंगी, कॉस माइनस साइन माइनस कॉस साइन, फिर उसी तरह से कॉस माइनस साइन कॉस साइन, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमने इसकी वैल्यूज को असल में फाइंड करना है। तो आपके पास टेलर सीरीज, हम टेलर सीरीज से ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो टेलर सीरीज में हमने एक फार्मूला देखा था जो कि हमारे पास टेलर सीरीज का था। फिर हमने उसमें कहा था कि अगर हम यहाँ पर एक्स नॉट की वैल्यू को सिर्फ जीरो कर देते हैं तो मेरे पास ये मैकलॉरन सीरीज बन जाती है। तो देखिए हमारे पास बेसिकली यहाँ पर ये मैकलॉरन सीरीज है जिसमें हमारे पास हमेशा एक्स की वैल्यू जो है वो जीरो है, ठीक है। अब हमारे पास एक्स नॉट यहाँ पर जीरो है तो आप इसके डेरिवेटिव्स में एक्स जीरो पुट करते हैं, तो जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव में एक्स जीरो पुट करेंगे तो मेरे पास इसका आंसर कॉस जीरो का आंसर आपके पास क्या होता है, 1 होता है, 1 आएगा। सिमिलरली आप इधर 1 माइनस साइन जीरो पुट करेंगे तो इसका आंसर आपके पास 0 आएगा, देन माइनस कॉस 0 पुट करेंगे तो आपके पास इसका आंसर माइनस 1 आएगा। सिमिलरली आपके पास इस तरह से आंसर आता जाएगा, देन आपके पास नेक्स्ट साइन आएगा तो साइन का आंसर आपके पास अगेन 0 आएगा। तो देखें आपके पास 1 0 माइनस 1 0, इसी तरह से ये सीरीज चलती जाएगी। अब देखें हमने किस तरह से इस फंक्शन को इस तरह से कैसे लिखना है, तो जो आपके पास इवन नंबर्स पर जो आंसर आ रहे हैं, देखें मेरे पास इवन नंबर पे ये मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑड है, सेकंड डेरिवेटिव इवन, फिर थर्ड ऑड, फोर्थ इवन, फिफ्थ ऑड, सिक्स्थ इवन, तो जो इवन नंबर पे आ रहे हैं 2, 4, 6, 8 पर, वहाँ पे मेरे पास आंसर जीरो आ रहा है, तो मैं कहूँगी जब मैंने mth डेरिवेटिव लिया इस फंक्शन का तो मेरे पास एक्स जीरो पुट करने पर मेरे पास, अब देखें 2, 4, 6 इवन नंबर पर जितने भी हम डेरिवेटिव लेकर चेक कर लेना तो उस पर हमारे पास आंसर जीरो ही आएगा एक्स जीरो पुट करने से। तो फंक्शन में का इवन 2m का मतलब है इवन पावर से, इवन डेरिवेटिव लिया एक्स जीरो पुट करने से तो उसका आंसर हमेशा हमारे पास जीरो आया है, कॉस जीरो माइनस वन होता है, मैंने यहाँ माइनस नहीं डाला सॉरी। अब हमारे पास देखें ऑड नंबर पर हमने फर्स्ट ऑड है, थर्ड, फिफ्थ, अप टू सो ऑन, जितने भी हम डेरिवेटिव ऑड नंबर्स पे आएंगे हमारे पास उनका आंसर माइनस वन आएगा, कॉस जीरो, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यूज जो है वो रिप्लेस हो रही हैं, देखें फर्स्ट पे माइनस वन माइनस वन माइनस वन, तो आपके पास ऑड नंबर पर सारे के सारे डेरिवेटिव्स जो हैं वो माइनस वन आ रहे हैं,
तो आप कहेंगे कि आपका ऑड नंबर पर, ऑड को हम 2n+1 से डिनोट करते हैं, तो ऑड नंबर पर आपके पास उसका आंसर -1 की पावर में m आ रहा है। तो अप्लाई द प्रीवियस थ्योरम अप्लाई करेंगे, जिसमें हमारे पास ये एक ओपन इंटरवल था, एक्स नॉट जीरो था और r कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू थी, कोई भी वैल्यू हो सकती थी। वी हैव द वेल नोन सीरीज एक्सपेंशन, साइन की एक्सपेंशन हमें अच्छे तरह से यह पता है, साइन की एक्सपेंशन 2n+1, अगर 2n+1 का फैक्टोरियल होता है, एक ओपन इंटरवल होता है। तो अब हम देखते हैं कि हमने इस थ्योरम को बेसिकली यूज किस तरह से करना है। वो कहता है कि हमने इस थ्योरम की एक्सपेंशन में भी अगर हम डिफरेंट वैल्यूज लेकर चेक करें तो कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म होगी। अभी हम यहाँ पर फंक्शन को लेकर चेक किया तो हमारा सीरीज जो है वो कन्वर्ज कर गई है यूनिफॉर्मली। उन्होंने ऑड पे हमारे पास -1 आंसर दिया mth टर्म लेने से और इवन पे 0 आंसर आया है। तो हमारा फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है, किस जगह पर कन्वर्ज करता है, आई पर कन्वर्ज करता है और वो एक ओपन इंटरवल है। एक्स नॉट हमारे पास 0 था। हमने सिर्फ पिछले थ्योरम में से ये तीन चीजें अच्छे से यूज किए हैं, आर आर्बिट्रेरी है, एक्स नॉट 0 है और आपके पास ये इंटरवल था। तो हमने इसको प्रूव कर दिया कि हमारे पास इसका आंसर 0 और 1 किस तरह से आया, -1। ठीक है, ये था इसका प्रूफ एग्जाम्पल का। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है सिमिलर आर्गुमेंट शो डैट कॉज ऑफ एक्स की, इसी तरह से आप डेरिवेटिव ले लें। कॉज का डेरिवेटिव हम -sin आएगा, फिर -sin का डेरिवेटिव आपके पास -cos आएगा। आप उसी तरह से इसकी वैल्यूज में 0 पुट करते हैं तो आपके पास जो इवन नंबर में इसका आंसर आएगा ना, वो आपके पास a की पावर में 2m पे, आपके पास इवन नंबर पे जो इसका आंसर आएगा, आपने ये लेकर चेक करना है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने किस तरह से लिया। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें ताकि मुझे पता चल सके कि आपको समझ आई है। ए की पावर 2m में जो हमारे पास इसका डेरिवेटिव आएगा ना, वो -1 की पावर में m आएगा। मतलब मेरे पास इवन नंबर पर इसका आंसर -1 आने वाला है और जो मेरे पास इसका ऑड नंबर पे आंसर है वो मेरे पास इसका आंसर 0 आने वाला है। ए की पावर में 2m+1 0 आएगा। ठीक है, तो बेसिकली यही बात है और उसकी एक्सपेंशन जो है वो इस तरह से होती है और वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा। यही आपने इसका, जैसे हमने पिछले फंक्शन में डेरिवेटिव लेकर चेक किया और वैल्यूज पुट की और अपने थ्योरम को यूज़ किया, आपने इसी तरह से इस वाली एग्जांपल में चेक करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है फंक्शन ऑफ एक्स, ये एफ एक्स के इक्वल है। हमने इसकी kth टर्म ली, देन अगेन वही आंसर मिलेगा और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली आई पे। तो क्योंकि आर्बिट्रेरी होता है तो हमने इन्होंने एक्स को आर से रिप्लेस किया। इंटरवल आपका -r से r है, एक क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल में आपके पास ये -r और r और अंदर की सारी वैल्यूज भी इंक्लूड होती हैं। देन हमने इस थ्योरम को रीड आउट किया कि r की पावर में n, आपके पास फंक्शन जो है वो r की पावर में n n फैक्टोरियल एफ एन किसी इंटरवल आई पे आपको आंसर 0 देता है। एफ एन आपके पास यहाँ पे एफ एन फंक्शन था ना थ्योरम में, यहाँ पर आपके पास एफ एफ एक्स फंक्शन है तो एफ एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू ई आर है। ये सिंपल, वी कंक्लूड डैट कि हमारे पास ई एफ एक्स का आंसर, ये आप देखें ये हमारे पास किस तरह से आ गया है कि हमारे पास ये फंक्शन था ई एफ एक्स और हमने इसकी एक्सपेंशन की, जैसे हमने साइन की एक्सपेंशन की पीछे कॉस की एक्सपेंशन की, तो अब हमारे पास यहाँ पर इसकी एक्सपेंशन ही हमने बेसिकली की है। ई एफ एक्स की एक्सपेंशन आपके पास होती है 1+x+x² / 2 फैक्टोरियल, x³/3 फैक्टोरियल, अप टू सो ऑन nth टर्म तक जाएंगे, लिख लेती हैं ताकि आपको समझ आ सके। 1+x+x² डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये ना आगे इसी तरह से अप टू सो ऑन जा रही है, ये मैंने ऐसे कर दी। अच्छा, अब 1+x² + 2 का फैक्टोरियल, फिर x³/3 फैक्टोरियल, x⁴/4 फैक्टोरियल, देन nth टर्म xn/n फैक्टोरियल आएगा। तो हमने इसकी nth टर्म बेसिकली लिखी है xn/n फैक्टोरियल और उसका इंटरवल हम कहते हैं कि ये फंक्शन ऑफ एक्स ई की पावर में एक्स। थ्योरम लगाने से हमारा फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है बाउंडेड सेट पर। ठीक है, बाउंडेड सेट आपने ध्यान से देखना है, इंपॉर्टेंट MCQs भी बन सकता है। देन नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन है, आपके पास गिवन है 1+x³/qfnx/n⁴ है आपके पास और आपने यहाँ पर NCR हमने पिछली एग्जाम्पल में देखा था वो यहाँ पे यूज हुआ है।
तो इस एग्जाम्पल को हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, और क्योंकि इससे एग्जाम्पल से हमारे पास जो पूरा नेक्स्ट आगे एग्जाम्पल है वो भी रिलेट करती है, तो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।